2 किलो नहीं, तुम 1 किलो मत करना, जाके तुम अपनी वहां जमानत करा लेना, ठीक है? जब तुमको हर चीज मैं बता चुका, फिर इसके बाद भी तुम वो कर रहे हो। यूपी के कन्नौज में रिश्वतखोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपने अभी तक रिश्वत में रुपए मांगने की बात सुनी थी, लेकिन अब रिश्वत में सब्जी की डिमांड होने लगी है। सौरिक थाना क्षेत्र के चौकी प्रभारी राम कृपाल ने किसी को फोन करके रिश्वत के तौर पर 5 किलो आलू मांग रहे थे। फरियादी गरीब था, वो बेचारा बोला, साहब 2 किलो आलू ले लीजिए। इस बात पर चौकी प्रभारी भड़क गए और नाराजगी दिखाई। इसके बाद 3 किलो आलू देने की मांग हुई, जिस पर फरियादी सहमत हो जाता है। आइए हम आपको सुनाते हैं यूपी पुलिस की डिमांड। हेलो हेलो, 2 किलो आलू साफ करे, ज्यादा है नहीं भाई, ठीक है, बिल्कुल मरे भाई हूँ बैठे। 2 किलो आलू करे दे रहे, ठीक है। चलो तुम 2 किलो नहीं, तुम 1 किलो मत करना, ठीक है, जाके तुम अपनी वहां जमानत करा लेना, ठीक है। क्या करोगे जब ऐसे ही, जब तुम लोग को वो करना है तो क्या मतलब है? चलो ठीक है, जब क्या करना बताओ। नहीं, जब तुमको हर चीज मैं बता चुका, फिर इसके बाद भी तुम वो कर रहे हो, हैं? क्यों साहब? भाई नहीं बैठू, परेशान है बहुत, काम नहीं चल रहा, 1 रुपया हो जाता, एक गाड़ी खींच के चली गई है, इतने परेशान है। कौन खींच के चली गई? गाड़ी छोटा हाथी है, फाइनेंस वाले खींच ले गए, इतने परेशान है इस टाइम, किस्त नहीं निकल रही गाड़ी। चल चल 3 कर देना, चल दोस्त दे, बात करा, बात करा उसे। हेलो जा रहे हैं, घर गए लिखवाए। माता जी से तुम्हारे लिखा जा रहा है? माता जी को देखा जाए, घर हुए तब तो माता जी को गई ना काम पे गई। अच्छा, पूछ लो फोन से ना कि घर पे है कि नहीं। मैं फोन नहीं रखती ना घर पे, हम जा रहे घर पे, हम तो देख रहे। तुम्हारी पत्नी तो होगी घर पे? हाँ, तो उससे पूछ लो ना कि है कि नहीं माता जी। चलो हम पूछ रहे, पूछ लो, पूछ के अपना करके। आ सुनो, उसमें ये शब्द जरूर लिखवा देना कि अब कोई पुलिस कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? हमारे हम बच्चे को समझा दिया, मेरा बच्चा गया है बाहर, प्राइवेट जॉब करता है। अब तुम जो कर लो, हम पर दो हैं, फिर बाद में आगे पीछे देख लिए, ठीक है? 2 किलो आलू दे रहे हैं, कर रहे दे रहे, आगे पीछे देखें, अपनी बात है, ठीक है? चलो चलो, ये देखो सुनो, ये चीज जरूर लिखवा देना, ठीक है? उसमें ठीक, वो चीज हम लिखवा देंगे, ठीक सर, ठीक। वहीं इस मामले पर वायरल ऑडियो के बारे में एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि छिबरा मऊ सीओ के माध्यम से मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर चौकी प्रभारी राम कृपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एसपी की दरोगा के खिलाफ हुई इस कार्रवाई की मंत्री असीम अरुण ने तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मिलकर करेंगे भ्रष्टाचार को खत्म, पूरा मामला सौरिक के चपुन्ना बहवलपुर चौकी का है। थाना सौरिक में चौकी चपुन्ना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राम कृपाल सिंह का एक ऑडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा सरकारी कार्य के एवज में पब्लिक के किसी व्यक्ति से उत्कोच की मांग की जा रही थी, जो फॉरवर्ड में की जा रही थी। इसमें प्राथमिक रिपोर्ट सीओ छिबरामऊ के द्वारा दी गई थी, जिस पर दिनांक 7 अगस्त को ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक कन्नौज महोदय के द्वारा उनको निलंबित किया गया है और जिसकी विभागीय कार्रवाई प्रचलित। ऐसे तो आपने यूपी पुलिस के कई किस्से सुने होंगे। ताजा मामले में पुलिस रिश्वत में 5 किलो आलू मांगती नजर आ रही है, तो वहीं बीते कुछ दिनों पहले आरोपी से मुठभेड़ के दौरान यूपी पुलिस मुंह से ठाए ठाए गोलियां चलाती नजर आई थी। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश में पुलिस की खासी किरकिरी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज, में हूं आपके साथ शिवम सैनी। जी हां, हम आज बात करने वाले हैं सब्जियों के राजा आलू की।
अब आलू की डिमांड इतनी तेज हो गई है कि पुलिस विभाग में रिश्वत के नाम पर आलू भी मांगे जाने लगे हैं। क्योंकि ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा एक कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के चपुन्ना बहवलपुर चौकी पर मौजूद दरोगा जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पीड़ित से 2 और 3 किलो आलू की बातें चल रही हैं। जिसमें पीड़ित कह रहा है कि साहब 2 किलो ही आलू की व्यवस्था मैं कर पा रहा हूं और इतना ही मैं भेज दे रहा हूं। जिसमें दरोगा जी की ओर से 3 किलो आलू देने की बात कही जा रही है। अब ये मामला जब इसका काफ़ी कन्नौज में वायरल हुआ और लोगों में चर्चाएँ बन गई हैं कि पुलिस में अब जो भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में रिश्वत लेने के मामले में चर्चाएँ उठ रही हैं। क्योंकि अब एक ऐसा जो चर्चा का विषय बना है कि रिश्वत के नाम पर आलू जो कि सब्जियों के राजा कहे जाते हैं उनकी भी डिमांड होने लगी है। जब इसकी जानकारी कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद को हुई तो उन्होंने तत्काल निलंबित दरोगा जी को कर दिया है। अब आगे जो उनके विभागीय कार्रवाई है वह प्रचलित की गई है। कन्नौज में यह मुद्दा काफ़ी तेज माहौल बना रहा है, लोगों में चर्चाओं का विषय बन गया है कि क्या अब सब्जियों को भी रिश्वत में मांगा जाएगा। जब इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अश्विनी अरुण साहू को ही तो उन्होंने इस मामले में एसपी कन्नौज का धन्यवाद किया और कहा कि भ्रष्टाचारियों पर इसी तरह से कार्रवाइयां की जाएंगी। कन्नौज से जीएमडी न्यूज के लिए कैमरामैन प्रिंस के साथ शिवम सैनी।